पता है यहाँ पे क्या क्या होता रहता है? तू गिरा और पता क्या हुआ है, मुझे अपनी बाइक को सर्विसिंग वाले को देनी थी, हीरो होंडा जो मुनिरका में है उसको देनी थी, और हमें उधर से मैं सोच रहा था कहीं और चले जाएं, मतलब कि जैसे कि मान लो मुझे कहीं जाना है, अभी जाना है मुझे हुड्डा सिटी सेंटर, ठीक है, वही जो इससे पहले वाले ब्लॉग में हम लोग कहीं गए थे वहीं पर जाना है। गए तो थे उधर, सोचा हेलमेट वहीं पर रख देंगे, उनके पास लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे वहाँ से यार ऑटो पकड़ के मुझे घर में आना पड़ा हेलमेट रखने के लिए। सोच रहे हो नहीं, मतलब उधर नहीं रख सकते थे, गलत बात है यार, यहाँ पर घर में रखा वो, यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे पुलिस वाले, इसलिए ज़रूरी है। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ था तो मैं उधर गया था, फिर उधर से मैं इधर आया, फिर इधर से अभी मैं निकला हूँ पैदल मैजेंटा लाइन के लिए। पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हुआ था, इसलिए इस वाले ब्लॉग में आपको दिखाने का मतलब बनता नहीं है, तो वहीं पर जाके मिलता हूँ आपसे, बाय। पहचाना क्या है ये? हुड्डा सिटी सेंटर। मैंने बोला था ना हुड्डा सिटी पहुँच के मैं आपसे मिलता हूँ, देखो मैंने अपना वादा निभाया, तुम भी अपना वादा निभाओ यार, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो पक्का। हाँ यहाँ से चलेंगे हम लोग इंफोसिस, या 500 के नोट हैं खुले ही नहीं कर रहे, कहीं बैठ के कहीं पर आराम से खुले करवाते हैं नोट, कहाँ पर खुले होंगे देखते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट में है फोर्टिस, फोर्टिस सबसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भाई यहाँ पे तो, और ये पता नहीं क्या बन रहा है, आज जॉब की तरह से क्लिक बेट। नहीं यार क्लिक बेट तो नहीं होगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यार, अपना लैपटॉप चेक करवाने यार, टूट गया था यार, कोशिश लैपटॉप ठीक करवाने यार, क्योंकि इसी कंपनी ने हमें लैपटॉप दिया था काम करने के लिए, मुझे नहीं मेरे भाई को। चलो चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या होता है, फिर बताते हैं तुम्हें क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं भी हुआ है। चलो काम हो गया, लेकिन मैं अंदर नहीं गया इंफोसिस के, भाई गया अंदर, मुझे जाने नहीं दिया यार, मुझे बाहर 2 या 2.5 घंटा मुझे बाहर रुका रहना पड़ा, लेकिन 2 या 2.5 घंटे मुझे बाहर बैठना पड़ा यार, जाने नहीं दे रहा, जैसे तैसे मैंने टाइम पास किया यार, मैंने काफ़ी लोगों को परेशान किया है, कितने लोगों को परेशान किया होगा मैंने, गड़िया रहे होंगे मुझे। अभी ये हो गया द नेक्स्ट डे, सो आज है संडे, संडे नहीं सैटरडे आज है यार, मैं गलत बोल रहा हूँ, और आज के सुबह इधर जाता हूँ अंधेरा, इधर रोशनी, इधर धूप है, आग खुलती, तो यार मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो आज भी कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसे जैसे तैसे दिन बिताते हैं, आज थोड़ा मोड़ा काम है वो भी करेंगे, आज साथ ही सब कुछ करेंगे। और सुबह सुबह यार सोचा, वैसे पता है कल इतना अच्छा मौसम था तो, लेकिन कल कोई काम नहीं था करने को, और आज धूप है इतना अच्छा बादल में नहीं है, लेकिन आज काम करने को यार क्या मतलब बनता है, फिर आज 2-3 काम है करते हैं चल। और छत पे देखो यार, छत पे गार्डनिंग हो रही है, दिखा रहा हूँ चलो, ये देखो यहाँ पर गार्डनिंग हो रही है, वो मेरा वाला डिश टीवी है उधर गार्डनिंग हो रही है, ये देखो ये पूरा गार्डनिंग का व्यवस्था है, ये पूरा गार्डनिंग का व्यवस्था है, इधर पूरा गार्डनिंग का है, थक गया तो यहाँ पर बैठ सकते हो, वो है एक उधर है एक इधर है, तुम दिख रहे हो तो ये पूरा ये है, वैसे मेरा नहीं है ये, यहाँ पर एक अंकल है उनका है, मैं तो बोलता हूँ मैं तो मम्मी और पापा को बोलता हूँ धनियापत्ति की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताओ, यहाँ पर धनियापत्ति भी वो लोग उगा रहे हैं, चुप से तो चुपके से तोड़ के ले आऊँगा, किसी को क्या ही पता चल रहा है ना। चलो अभी के लिए तो इतना ही, आटा लेने चाहेंगे फिर।
ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, इसमें से तो हम लोग ले ही सकते हैं ना। 346 मिनट्स लेटर। बताओ यार भाई, मुझसे अपना काम करा है ऑफिस का। उफ, क्या कह सकते हैं, मुझे करना पड़ रहा है सब काम। गलत बात है ना, गलत बात है ना, सबको अपना अपना काम खुद करना चाहिए। देखो किसी के ऊपर मत थोपा करो काम अपना, गलत बात। ओके यस, हम भाई बोल रहे हैं इसको ख़त्म करने के बाद फिर आटा लाने जाएंगे। अरे यार 1 बजे बंद होता है, कब चलोगे मुझे पता ही नहीं। आप ही कमेंट बॉक्स में लिख देना कि 1 बजे बंद होता है, उससे पहले चल लिया करें आटा लाने। फिर यार 3 बजे खुलेगा, बहुत दिक्कत है बहुत। और 3 बजे हमें कहीं जाना है तो भैया कौन समझाएगा ये बात। तो भैया आ रहे हैं इसलिए चलो। 5 minutes later. नहीं रहता, अभी भाई जाने के रेडी हुए हैं, अभी भाई जाने के रेडी हुए हैं, लेकिन अभी तक जा नहीं रहे हैं। उनका तारक मेहता बहुत ज़रूरी है, आज भूत वाले सीढ़े दे रहे हैं ना इसीलिए। चलने के रेडी हुआ यार, आटा लाना है। चलो ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन आटा 10 किलो का लाना है, तो बाइक ज़रूरी है इसके लिए। जब उसके बाद कुछ पकड़ने के लिए दे तभी तो हम लोग पकड़ के लाएँ, वरना ऐसे में पकड़ के लाएंगे हम लोग, इसीलिए बाइक। मुझे चलाना था बाइक, भैया चलाना नहीं दे रहे हैं, गलत बात है यार। तो मास्क क्यों भाई, मास्क क्यों? मैं पता क्या कहला है, देखो आटा, रस्क, तेज पत्ता, बिस्किट। ये बिस्किट है बहुत मस्त लगता है यार, बिस्किट आई लव इट। क्रीम वाला तो वो और अच्छा है। चलो कुछ और काम कर लेते जब तक, अभी हमें कुछ बन नहीं रहा है यार, क्योंकि सब ने 11 बजे नाश्ता किया, मैंने जल्दी कर लिया था। नहीं फिर भी घर में भी कुछ बन नहीं रहा, इसलिए मेरे पर जिम्मेदारी आई है कि मैं ब्रेड का कुछ बनाऊं। अब ब्रेड का क्या बनाता हूं अब दो लोग देखो। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा चीज़ बनाऊंगा, देखो क्या क्या बनाता हूं। अच्छा अच्छी चीज़ मतलब एक ही चीज़ बनाऊंगा, ज़्यादा वैराइटी सुने ना। देखो तेल गर्म हो रहा, प्याज, ये गार्लिक, टमाटर, मिर्ची, कुछ ना कुछ तो बनाऊँगा। अब बनाने के बाद बताता हूँ कि क्या बना रहा हूँ। ओके तब तक आप लोग गेस करो। मैं इसका बात कर रहा था, लग रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास लग रहा है जी। यही है ब्रेड का उपमा ही मान लो, मुझे नाम तो पता नहीं लेकिन मैं उपमा ही बोलता हूँ, ब्रेड का उपमा मस्त लगता है। वो बना के देखो। ओके चलो जो खाने के बाद कहीं और चलते हैं, फिर उधर मिलेंगे। ओके चलो भाई, मैंने अभी कैब बुक की और बोजी को आग दिखाना था, इसीलिए भाई नीचे ही खड़ा। मैं तो टाइम लेगा 5 मिनट कम से कम, भाई 2 मिनट के अंदर आ रहा है यार, क्या करूँ सबको समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट को तो हाँ हद है किसी से। अभी अपने सामने वाले में जाना है आई सेंटर में। चलो चलते यहाँ से, रोड पार करना पड़ेगा यार। चलो चलो चलो, चलो। बसंतपुर में बहुत अच्छा आई स्पेशली, इसी से दिखाते हैं हम लोग। हम लोगों ने सोचा था यार कि आज सुबह से इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही है, पहले ब्रिटिश एयरवेज गई फिर एक जापान का गया, वैसे ही सोचा यार शाम को भी जा रहा होगा कोई इंटरनेशनल फ्लाइट, लेकिन नहीं ये गलत था। शाम को क्या हो गया भाई, इंडिगो 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 इंडिगो, सिर्फ जब से हम आए हैं तब से 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 गोयर गई है बस, दैट्स इट, तब से इंडिगो इंडिगो जा रही है। देखो ये भी इंडिगो निकला, देखो
ये इंडिगो, हद है यार। मुझे नहीं पता यार तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन मैं पहले 6 बजे तक था अपने घर, फिर मैं इधर आ गया हूँ अपना सीपी। जो मेरे पीछे है ना वो है सेंड्रा पार्क। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या क्या होता रहता है? गिरा तो पता है यहाँ पे क्या क्या होता रहता है? यहाँ पर टिकटॉकर्स जो होते हैं, जो नचनिया वैसे भाई टिकटॉकर्स यार, और जो अभी नए नए निकले हैं उसका मुसेरा भाई टिकटॉकर्स का, क्या नाम है उसका, क्या नाम टिकटॉकर्स का, इंस्टाग्राम रील्स, वो भी यहाँ पर बनाते हैं वो लोग हैं। तू क्या कर रहा है? और हाँ भी तो वही बना रहा। अच्छा टिकटॉकर्स ये सब वीडियो ये सब सुने बनाता? थोड़ा अपर लेवल का है। हाँ बताओ यार, मैं भाई बोल रहा है यूट्यूब वो हो गया टिकटॉक जैसा, ऐसा होता है? ऐसा कभी होता नहीं है। मैं यहाँ पर आया था घूमने फिरने के लिए, भाई भी नया नया आया ना दिल्ली, इसलिए मैं उसको सीपी दिखा रहा हूँ। और कुछ नहीं, अभी मैं यहाँ पर तो सीपी घूमूंगा, फिर पालिका बाजार जाऊँगा, फिर पालिका बाजार से फिर सेंटर पार्क, भैया को तीनों घुमा दूंगा। रात में भी रात में यार बहुत अच्छा व्यू मिलता है। ये देखो, ये देखो पूरा एकदम, ये सीपी है, सीपी कनॉट प्लेस। वैसे तुम लोग अगर मेट्रो से आ रहे हो तो इधर कनॉट प्लेस ये सोच के मत आना कि कनॉट प्लेस तुम लोग उतरोगे, यहाँ पर उतरोगे तुम लोग राजीव चौक, राजीव चौक जगह का नाम राजीव चौक है, इसीलिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ और कवर करना है, लेकिन यार अभी होगा नहीं पता। कुछ म्यूजियम, इल्यूजन ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ म्यूजियम, दोनों सेम सेम है, दोनों कुछ भी बोलो फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, बातचीत एक ही है। क्या दिक्कत आ रही है, मौज आ रही है, और पहले पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, पहले पुलिस मुझे देख रही है क्या होता है। और बाकी चलते हैं थोड़ा घूमते फिरते, और थोड़ा क्लिप दिखा दूँगा मैं आपको कैसा लगेगा, बाकी इतना एंजॉय करूँ।